मेरी दोस्त लक्ष्मी अग्रवाल हमारे साथ हैं आज. और फाइनली आई थिंक द मीडिया वॉज वेरी वेरी क्यूरियस. पहले दिन जब हम लोगों ने ट्रेलर लॉन्च किया तो बहुत लोगों ने पूछा कि लक्ष्मी कहाँ है, लक्ष्मी कहाँ है, तो यहाँ क्यों नहीं है, लक्ष्मी क्यों नहीं है. करेक्ट, वी हैव अ प्लान फॉर हर. तो फाइनली लक्ष्मी इज विथ अस. लक्ष्मी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू कि आपने हमको मौका दिया ये कहानी दिखाने के लिए, बताने के लिए. बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है. एंड थैंक यू कि आपने दिल से किया. नॉट वंस डिड यू डाउट अस, नॉट वंस डिड यू क्वेश्चन अस. और आपने जो भी किया है आपने बहुत दिल से किया है. एंड आई होप यू आर प्राउड ऑफ द मूवी दैट वी हैव मेड. एंड आई होप वी हैव बीन एबल टू डू जस्टिस टू योर इनक्रेडिबल एंड इंस्पायरिंग स्टोरी. तो अब मैं चाहूँगी कि लक्ष्मी कुछ कहें. थैंक यू दीपिका. टाइम तो वैसे 12:30 हुआ है पर मैं हमेशा कहती हूँ गुड मॉर्निंग, जब जागो तभी सवेरा. मुझे बहुत खुशी है कि मैं मेघना मैम से 2016 में मिली थी और मेघना मैम ने बोला कि लक्ष्मी हम इस कॉज पे काम करना चाहते हैं साथ में. क्योंकि अगर देखा जाए 2013 से पहले कोई भी एसिड अटैक वायलेंस को नहीं जानता था उस तरीके से. लेकिन जब खुद सर्वाइवर्स बाहर निकल के आई और अपनी स्टोरी को रखना शुरू किया तो वो हर कानों में वो आवाज़ गई. और जब वो आवाज़ गई तो आज वो एक फ़िल्म के रूप में बाहर आई. दूसरा ये भी कि सोसाइटी को ये फ़िल्म एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगी. और थैंक यू दीपिका जो आपने लक्ष्मी का रोल प्ले किया. और मुझे बहुत खुशी है कि एक्चुअल में जो ब्यूटी है आज आपने दिखा दिया कि ब्यूटी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है. अवेयरनेस बहुत ज़रूरी थी, इस कॉज को बाहर लाना बहुत ज़रूरी था. और कहीं ना कहीं जो सर्वाइवर विक्टिमाइज होती है और जो सोसाइटी के दिमाग में जो तेज़ाब है, ये फिल्म के थ्रू लोगों के दिमाग से तेज़ाब निकलेगा. तो मुझे बहुत खुशी है कि आज हम लोग साथ में हैं और इस कॉज को आगे बढ़ा रहे हैं. और जो लोग विक्टिमाइज होते हैं उनको एक्चुअल में फाइटर के रूप में बाहर लेके आ रहे हैं. सो थैंक यू सो मच. और आप सब लोग भी ज़रूर जाइएगा मूवी देखने और आप लोगों को पता चलेगा एक्चुअली में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. तो जब आप मूवी में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या होती है लाइफ में प्रॉब्लम्स. थैंक यू. मेरा सवाल लक्ष्मी से है. लक्ष्मी, इस गाने को सुनकर आप दो लाइनें कुछ कहना चाहेंगी क्योंकि ये आपकी कहानी है. गाने में जैसे मैंने जब गाना भी सुना, सीरियसली मेरी आँख से जब से आंसू नहीं रुक रहे हैं. और मैं एक ही चीज़ फील कर रही थी जब से कि काश मेरे पापा यहाँ होते. तो काफ़ी अच्छा लगा. और थैंक यू मेघना मैम, थैंक यू सो मच. मेरा सवाल पहले लक्ष्मी जी आपसे है. व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपको पता लगा दैट योर स्टोरी हैज बीन अडैप्टेड एंड दीपिका इज प्लेइंग योर कैरेक्टर? मुझे बहुत खुशी हुई. और मुझे ये लगा कि अब तो हो गया सोसाइटी का काम. और वो जब जैसी मैं सो रही थी और जैसी मैंने फर्स्ट लुक देखा उठ के और इंस्टाग्राम खोला और अचानक से लोगों ने मुझे इतने सारे मैसेजेस किए हुए थे, तो जैसे ही देखा मैंने कहा वाओ लक्ष्मी. ये था. और मुझे लग रहा था क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ जैसे भी कि आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी है लोगों के मन में. और लोगों ने कहा कि अब तो सच में इंसाफ मिल के रहेगा. क्योंकि जब आप बाहर निकल के आते हो और जब आप एक कॉज को प्रेजेंट करते हो अपनी तरफ से, तब लगता है. तो मुझे ऐसा लगा जब जैसे दीपिका ने बताया कि मैं सेट पे गई फर्स्ट टाइम, तो वहीं पे ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि सच में अब सोसाइटी के दिमाग से बहुत कुछ बदलने वाला है. सीरियसली थैंक यू सो मच दीपिका. दीपिका जी योर सेंटर. दीपिका जी, कुछ फिल्म के किरदार ऐसे होते हैं जो एक्टर के जहन में इस तरह समा जाता है कि जिंदगी भर उनके दिल के करीब रहता है. तो इस फिल्म के लिए कौन सा पल ऐसा था जो जिंदगी भर आपके दिल के करीब रहेगा? और इस फिल्म के लिए क्या ऐसा स्पेशल आपको कॉम्प्लीमेंट मिला जो आज तक आपके करियर में नहीं मिला?
फिल्म तो अभी रिलीज़ भी नहीं हुई है, पर मैं इस पूरी जर्नी को कहूँगी, आई डोंट थिंक देयर्स बीन वन मोमेंट और वन ऐसा एक सीन. आई थिंक द एंटायर जर्नी एंड द एंटायर प्रोसेस हैज़ बीन एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग. एंड इफ आई मे से, इट्स द फिल्म दैट आई हैव डन इन माई करियर दैट आई एम द मोस्ट प्राउड ऑफ, इरिस्पेक्टिव ऑफ अभी क्या होगा, फिल्म रिलीज़ होगी 10 को, लोग क्या कहेंगे, वो अलग बात है. पर आई थिंक द फैक्ट कि वी अटेम्प्टेड दिस फिल्म, कि हमने ये फिल्म बनाई टू बिगिन विथ, आई थिंक दैट इन इट सेल्फ इज समथिंग दैट आई एम प्राउड ऑफ फॉर माई सेल्फ. एंड आई एम प्राउड दैट दिस एंटायर टीम सिटिंग हियर हैड फेथ इन मेघनाज विजन. एंड आई थिंक जो लोग कह रहे हैं यही है कि हमने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया. मैं रिस्क नहीं मानती, आई डोंट थिंक ऑफ दिस एज अ रिस्क, आई जस्ट थिंक इट्स अ वेरी ऑनेस्ट प्रोसेस, इट्स अ वेरी ऑनेस्ट, ये जो हम चीज़ कह रहे हैं वो बहुत ही एक, इट्स जस्ट बीन वेरी ऑनेस्ट. मुझे ऐसे कभी नहीं लगा कि मेघना गुलजार एक बहुत ही, मतलब देर वॉज नो ट्रिक्स एंड गेम्स. It is something that she has lived with, a story that she has lived with for so many years. As a human being, as a person, as a director, she was ready to tell this story. Ye kahani batana chahti thi. She came to me with it. Aur instantly maine haan keh diya. So there's been no overthinking, over-processing. I think jo bhi hum sab ne kiya hai, bahut instantly kiya hai, bahut instinctively kiya hai, bahut dil se kiya hai. Aur hum chahte hain ki आप भी जब आप देखेंगे इस फिल्म को उसी तरह रिसीव करें जिस तरह से हमने इस फिल्म को बनाया है. या हाय, दिस इज प्रथमेश फ्रॉम latestly.com. ऑन योर राइट लेफ्ट, या या थैंक्स अ लॉट फॉर दिस सॉन्ग. यू गाइज हैव हिट द राइट नोट्स विजुअली, ऑडियो वाइज, एज वेल एज इमोशनली. एस्पेशली द वर्ड छपाक, द वे इट हैज बीन यूज in one single instance, in one single swift stroke, how the life of a person is changed dramatically is what this song conveys. But do you have a line or two or a song in the film that also reflects upon the positivity of life, the hope of life, the light of life? Wait for it, watch this space. I will. There's sure more will. To come. Absolutely. We have one more song. Our album has 3 songs. Wait for the third.